देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। पहला देखिए, यहाँ 3x² - 2x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। देखिए यहाँ पे इन सबके गुणांक जो देखिए यहाँ पे 3 - 2 और 5, ये सभी पूर्णांक है ना, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2x³ - 2/3x² + 5x + 3 पूर्णांकों पर बहुपद है, ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं, 1/2 और -2/3। अगला देखिए, 1/2x⁴ + √2x³ - 3x² + 8 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, तो ये सभी, ये 1/3, √3, 3 और ये 8 जो ये देख रहे हैं, सभी वास्तविक संख्या है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, √3x³ - √2x² + 6 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ये सिर्फ एक परिमेय संख्या है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।